तो गाइज आज का जो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है वो है बाइक पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बाइक पे घूमने का अलग ही मज़ा है। तो चार बंदे हम इस जा रहे हैं जर्नी पे। तो एक पे हैं जी आमिर खान एंड अनस, और मेरे साथ जो हैं वो हैं डियो। यस, तो लेट्स स्टार्ट। जगह है लंबोक आइलैंड जो बाली से नेक्स्ट है। अगर आप जकार्ता से आ रहे हैं, जकार्ता, सुराबाया, बाली, बाली के बाद लंबोक है, तो लंबोक जरूर आएं। यहाँ पे इस तरह के आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। गाइज, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ संगीगी बीच लंबोक आइलैंड पे। आज मेरा लंबोक आइलैंड पे जो है वो तीसरा दिन है। तो चूँकि संगीगी बीच जो है ये एक मशहूर है, इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पे ना रॉक हैं और ये बहुत ही लंबी किस्म की जो है वो बीच है। तो यहाँ पे लोग जो है वो ये नहाने के लिए भी जगह बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे लोग जो है वो जो इसके बाहर जो रोड वाली जगह है, यानी एक साइड पर समंदर है और फिर उसके सामने जो है रोड है और एक बहुत बड़ी संगीगी स्ट्रीट है, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो आला किस्म के होटल्स हैं और खाने पीने की जगह हैं और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त उसका नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मोस्टली लोग मातारम के अलावा संगीगी स्ट्रीट पर रहना पसंद करते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो मातारम में रहें या यहाँ पर रहें, तो ये यहाँ पर आपको बाइक भी मिल जाएगी रेंट पे, और ताकि आप पूरा का पूरा आइलैंड को जो है वो बाइक पे विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे रिहाइश भी मिल सकती है, और पाकिस्तानी 500-700 से लेकर ऊपर कोई हद नहीं है। जितनी लग्जरियस रिहाइश आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो है वो चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा बीचेस हैं, यानी पूरे आइलैंड के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सैकड़ों बीचेस बनी हुई हैं, तो ये संगीगी बीच जो है ये थोड़ा रॉकी जगह है, यानी रॉक्स यहाँ पे पत्थर बड़े पड़े हुए हैं। जिन लोगों को रॉक्स पसंद हैं मतलब उनके साथ तस्वीरें लेना, वहाँ पे बैठना, सनसेट का व्यू करना, देन जो है वो इस संगीगी बीच को प्रेफर करते हैं। रॉकी भी है, उसके अलावा वाइट सैंडी बीच भी है, मतलब ये बहुत लॉन्ग बीच है। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। एंड नेक्स्ट वेयर वी आर गोइंग,
We're going to Malimbu Beach for see beautiful sunset.